थ्रेशोल्डिंग। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इमेज की थ्रेशोल्डिंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले थ्रेशोल्डिंग क्या है? थ्रेशोल्डिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें हम एक वैल्यू सेट करते हैं विच इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर किसी इमेज पिक्सल की वैल्यू उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो उसे एक नई वैल्यू असाइन कर दी जाती है, और अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो उसे भी एक नई वैल्यू असाइन कर दी जाती है। हम देखेंगे कि ओपन सीवी में किस तरह से थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की जा सकती है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे ओपन सीवी को। एक इमेज रीड करते हैं। थ्रेशोल्डिंग बेसिकली अप्लाई होती है ग्रे स्केल इमेजेस पे। तो अगर हमारे पास कोई आरजीबी इमेज है तो उसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रे स्केल इमेज में, या अगर कोई ग्रे स्केल इमेज हम पहले खुद से रीड करना चाहते हैं तो हमें आई एम रीड में सेकेंड आर्ग्यूमेंट इसका सेट करना पड़ेगा जो कि फ्लैग है। आई विल राइट द इनपुट इमेज नेम और एक फ्लैग सेट कर दूंगी। आई एम रीड ग्रे स्केल। ओके, नाउ वी विल apply thresholding function on it. cv.threshold एक function है जो कि हमें दो output return करता है, एक उसकी success और दूसरा हमारा threshold output image। और इसके इनपुट में हमारे पास एक सोर्स इमेज आएगा, एक जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू से मुराद वो वैल्यू है जो हम सेट करना चाहते हैं इन केस ऑफ द इमेज पिक्सल इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड। और टाइप हम सेट करेंगे हमें किस टाइप की थ्रेशोल्डिंग करनी है। सोर्स इमेज इज इमेज, थ्रेशोल्ड फॉर टाइम बीइंग हम सेट करते हैं 127, और अगर किसी भी इमेज पिक्सल की वैल्यू 127 से ज़्यादा है तो हम उसे क्या करना चाहते हैं, वाइट। हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड टाइप सेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे थ्रेश बाइनरी की टाइप को। अब हम इमेज को शो करके देखेंगे। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो एक नया इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट इमेज है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए वी विल आल्सो विजुअलाइज द ओरिजिनल इमेज। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज था वो एक ग्रे स्केल की फॉर्म में था, अब हमने इसे बाइनराइज कर दिया है। बाइनराइज से मुराद इसमें सिर्फ दो बिट्स हैं, 1 और 0। जो 127 से बड़ी वैल्यूज थी उन सबको उसने 1 कर दिया, और जो 127 से स्मॉलर वैल्यूज थी उन सब वैल्यूज को 0 सेट कर दिया। अब हम एक और टाइप की बाइनरी थ्रेशोल्डिंग देखेंगे विच इज थ्रेशोल्ड बाइनरी। Here we can see that the process is reversed. जो values 127 से greater थी उन्हें set कर दिया गया है 0 पे, और जो 127 से smaller थी उन्हें set कर दिया गया है 1 पे, just by changing the type.
अब इसका फायदा हमें कहाँ हो सकता है? थ्रेशोल्डिंग की जरूरत हमें किस वक्त पड़ती है? हम एक इमेज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इमेज। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो वाइट लिखे हुए हैं, कुछ लिखे हुए हैं वो ग्रे में लिखे हुए हैं, लाइट ग्रे में, और कुछ डार्क ग्रे में। कुछ लोग इसे विजुलाइज कर पाएंगे, कुछ लोग विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर हमें इनको कंप्यूटर के लिए बेटर अंडरस्टैंडेबल बनाना है तो हमें इन सबको भी हाईलाइट करना है। या फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से चाहते हैं सिर्फ वो वैल्यूज़ रहें जिनकी इंटेंसिटी हाई है जो वाइट कलर में लिखे हुए, या हम चाहते हैं सिर्फ वो वैल्यूज़ रहें जिनके जिनका कलर डार्क है। तो इस किस्म के स्नैरियोज के केस में हमें थ्रेशोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इस इमेज के ऊपर। हमारे इमेज का नाम है threshold.jpg विद द सेम कोड, और हम इसकी थ्रेशोल्ड टाइप जो है वो बाइनरी पे सेट कर देते हैं। वी डोंट वांट इट इन इनवर्जन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस किस्म की आउटपुट आती है। अब हम देख सकते हैं हमने एक थ्रेशोल्ड सेट की थी 127 इंटेंसिटी की। इस इंटेंसिटी की वजह से हमारे पास 32, 64 और 100 ये ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास पिक्सल की वैल्यू 127 से कम थी उसे हमने ज़ीरो पे सेट कर दिया। एंड वी हैव ओनली 200, 128, 180 एंड 255। अब हम इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू को चेंज करके। अब हम अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू को 100 रख के देखते हैं क्या हमारे पास जो नंबर्स ख़त्म हो गए थे वो दोबारा से आए हैं या नहीं। ओके, वी हैव 100 बैक। हमारे पास 100 आ चुका है लेकिन 32 और 64 अभी भी मिसिंग है। तो इसका मतलब है हमें अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू और कम करने की ज़रूरत है। लेट्स मेक इट 64। ओके, नाउ वी हैव 64, लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ पिक्सल्स की जो है वो डिस्टॉर्टेड हैं और 32 अभी भी मिसिंग है। इसका मतलब है कि हमें अपनी थ्रेशोल्ड और कम करने की ज़रूरत है। नाउ वी विल टेक अ ह्यूज जंप एंड 20। ओके, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास सभी के सभी नंबर्स वाइट कलर में आ चुके हैं, जो कि हमारे लिए बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडेबल हैं और हम इस पर फर्दर प्रोसेसिंग भी इजीली कर सकते हैं। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग थ्रेशोल्डिंग, कि हम किसी भी इमेज के फीचर को, किसी भी इमेज के रीजन को इन्हांस कर सकते हैं फॉर आवर प्रोसेसिंग पर्पज़। Thank you.